Hill. I am Manisha, life skill trainer and personality coach. In last few days, मेरे Facebook page पर बहुत messages आए हैं. उनमें से कुछ common request जो है, वो दो type की हैं. पहली ये है कि हमें बिल्कुल आप जैसा बनना है. तो सबसे पहले thank you कि आपने मुझे इस लायक समझा. दूसरा ये कि आप खुद सोचिए, बेसिकली मेरा ये जो चैनल स्टार्ट करने का जो मोटिव है वो यही तो है कि जो क्वालिटीज या जो पर्सनालिटी ट्रेट्स मुझे लगता है कि मुझ में भी होनी चाहिए, हो सकता है ना हो लेकिन होनी चाहिए, और वैसे ही सब में होनी चाहिए एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए, वो आप लोगों से शेयर करना. तो आई एम डूइंग दैट ओनली. सो अगर आप ये चैनल फॉलो करते हैं, आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, तो एट द एंड मेरे जैसी क्यों, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के मालिक होंगे आप. दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप हमें कुछ इंस्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स दीजिए, या एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सभी टिप्स एक साथ बता दें. तो देखिए, मेरा मानना तो ये है कि टिप्स जो होते हैं वो आपको एक दिन के लिए काम आ सकते हैं, या एक बार के लिए, या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप टिप्स को देखते हैं तो शायद आप एक दिन के लिए यू नो यू कैन प्रिटेंड उन टिप्स के सहारे, यू कैन प्रिटेंड टू बी समवन. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ एक वीडियो देख लेने से या एक वीडियो में जो टिप्स हैं उनको समझ लेने से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, तो आई वुड से कि आप मोटिवेट हो सकते हैं जरूर. लेकिन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस. आप खुद सोचिए कि अगर आप एक बीज को सॉइल में लगाएंगे तो क्या वो एकदम से प्लांट बन के बाहर आ जाएगा, एक रात में प्लांट बन जाएगा? उसके प्लांट बनने में, मतलब सीड से प्लांट बनने का जो प्रोसेस है उसे हम डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं, उसमें समय लगता है ना. और इनफैक्ट अगर उस बीज को सही खाद, पानी, धूप नहीं मिली तो कोई जरूरी भी नहीं है कि वो जमीन में से पौधे के रूप में बाहर आएगा भी. हेंस सिर्फ मोटिवेशन के लिए तो एक टिप्स वाला वीडियो काफी है, लेकिन आपको अपने ऊपर रेगुलरली वर्क करना होगा. और यही है आज का फर्स्ट टिप. डोंट बी इन हरी, बी पेशेंट, फोकस ऑन बीइंग बेस्ट, नॉट बीइंग फास्ट. ऑन योर रिक्वेस्ट आई ट्राइड टू कंपाइल अ फ्यू टिप्स व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो टिप नंबर टू इज Know yourself through self-analysis and by embracing feedbacks from others. मतलब कुछ बातें जो आपको अपने बारे में अच्छी लगती हैं, वो एक पेपर पे लिखिए. फिर पता कीजिए कि दूसरों को, यानी आपके फ्रेंड्स और फैमिली को, आप में वो कौन सी बातें हैं जो बहुत पसंद हैं, या जो वो एडमायर करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं. हो सकता है जैसे आपका ओबीडियंट होना, सॉफ्ट स्पोकन होना, पोलाइट होना, हेल्पिंग होना. फ्रेंड्स को हो सकता है आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती हो, या किसी भी चीज़ के बारे में आपकी चॉइस उन्हें पसंद हो, आपका डिसीजन मेकिंग पसंद हो, या हो सकता है आपका हेयर स्टाइल पसंद हो. सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. Now comes the tough part. But I guess if you're watching this video till here, then it won't be that difficult as well. Because I'm sure you have an idea about the certain areas of improvement that you have. मतलब जो बातें आपको दूसरों में अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी personality का part हो, आप वो लिखिए. और अब पता कीजिए कि दूसरों को आपके आचार व्यवहार में कौन सी ऐसी बातें हैं जो नापसंद है या जिनसे शिकायत है. जैसे हो सकता है कि आपका बात बात पर गुस्सा करना, या ज्यादा बोलना, बिना राय मांगे राय देना, या और भी कुछ. आप जानने की कोशिश कीजिए कि
क्या सुधार जब आप अपने अंदर लाएंगे तो उनकी नज़र में आप बेटर पर्सन बन जाएंगे। बस थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है, लेकिन एक बार की मेहनत है। वंस यू हैव द लिस्ट रेडी, डिसाइड दैट यू डोंट लूज द गुड क्वालिटीज दैट यू हैव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द अदर क्वालिटीज। एंड विद द अदर लिस्ट जो आपने बनाई है, जिन एरियाज में आपको सुधार की ज़रूरत है या आप जो क्वालिटीज अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो नाउ यू हैव द टॉपिक्स बेसिकली, कि किन टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियो सर्च करने हैं या आर्टिकल्स रीड करने हैं या दूसरों को ऑब्जर्व करना है, किन पर्टिकुलर एरियाज को अपने अंदर इम्प्रूव करने के लिए। सो नाउ यू हैव द लिस्ट, यू कैन फाइंड द क्लासेस और कोर्सेज, और जब जब आपको लगे कि आपने पर्टिकुलर एरिया में वर्क करना शुरू कर दिया है या आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, कीप टिकिंग राइट एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अदर एरियाज। और आपको रियलाइज होगा कि कुछ तो ऐसे एरियाज होंगे जो इंटर रिलेटेड है, जैसे अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है आपने लिखा, और आपने लिखा कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि ये जो लिस्ट है ना, ये आपकी पर्सनल एंड प्राइवेट लिस्ट है। डू नॉट शेयर इट विद पीपल, डोंट शो इट टू एवरीबॉडी। आप अपने लिए ये वर्क कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को अपने लिए इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन टू गेन कॉन्फिडेंस इफ यू आर अ शाय पर्सन, आप उस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, आपको रियलाइज होगा कि कितना आसान हो जाता है अपनी वीकनेसेस को पर ओवरकम करना या उनको मैनेज करना, जब सिर्फ वो हमें पता होती है, दूसरों को नहीं पता होती, या एटलीस्ट हमारे खुद के माउथ से हम उनको वैलिडेट नहीं करते जब तक। सो कीप देम टू योरसेल्फ ऑलवेज। टिप नंबर 3, लव योरसेल्फ एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। वैल्यू योरसेल्फ फॉर हु यू आर एंड हु यू आर प्लानिंग टू बिकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डेवलपमेंट कैसे होगी जब आप खुद से प्यार ही नहीं करेंगे, जब अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा, तो कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अपनी लाइफ और अपनी पर्सनालिटी के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स और एनवायरमेंट और एनीबडी एल्स, एंड स्पेशली ये वीडियो देखने के बाद तो आप इग्नोर एंड बिहेव भी नहीं कर सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकता था अपने लिए। नाउ यू नो कि जो करना है वो आपको करना है। ऑलवेज रिमेम्बर, वी आर ह्यूमन बींग्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट लिविंग बींग्स। वी लूज एंड वी विन इन आवर माइंड्स। हियर आई रिकमेंड यू टू वॉच अनदर वीडियो, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन आई बटन, यू कैन चेक ओवर देयर। Pygmalion effect. It implies this only. Beliefs are stronger than reality. You can change your reality by just believing in a certain way. So believe in yourself, okay? Tip number 4. It is my self-applied tip I'm sharing with you. I call it teach and spread what you are good at. मैं ये नहीं कहती कि बिना मांगे एडवाइस देना है, या सबको सुधारने निकल जाना है, या आपको जो आता है आपको सबको जस्ट जबरदस्ती बताना है, नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं एंड somebody seeks हेल्प फ्रॉम यू, देन what इज द harm? यू मस्ट हेल्प राइट। आपके कजिन को या फ्रेंड के बच्चे को, किसी को जरूरत है और आपको लगता है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप प्रो हैं उस सब्जेक्ट में, सो किसी की हेल्प हो जाएगी। सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए आपको तारीफ, एप्रिसिएशन, प्रेज मिलता है, तो आप जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है या सामने वाला जानने में इंटरेस्टेड है, तो आप शेयर कीजिए अपनी उस क्वालिटी के पीछे जो रीज़न है उसको, या उस क्वालिटी को। फॉर एग्जाम्पल,
कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर शायद आपको या किसी को भी गुस्सा आना लाजमी है, बट यू डिड नॉट शो एंगर, और आपसे कोई कहता है कि हाउ डिड यू नॉट गेट एंग्री, सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस दैट ओ आई शुड हैव बीन एंग्री, यू मस्ट रिप्लाई विद व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग इन योर माइंड, मे बी बिकॉज यू फेल्ट दैट व्हाई टू वेस्ट एनर्जी, और इफ यू डिड नॉट शो एंगर बिकॉज द पर्सन वॉज एल्डर, so out of respect you did not lose your temper, do share this thing with that somebody, because this way what you are doing is you are spreading the good thoughts and good qualities in the society, and also you are helping yourself as it keeps growing your good qualities and makes them your permanent character traits of your personality. This also somehow helps you in your communication skills, because you know you learn to express your thoughts, और हो सकता है यहाँ से self confidence भी build up होने लग जाए और आप self value करना भी सीख जाए. अच्छा, यहाँ communication skills word का use हुआ है, so not in detail but एक connecting tip आपको देना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखने की जरूरत है टू कम्युनिकेट, देन इट्स नेवर लेट, बट ऑल्सो व्हाई टू डू इट फर्दर लेट, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब. मेरी फिलहाल कोई ऐसी वीडियोस नहीं है जिसमें मैं कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर सिखाती हूँ, but yes, I always motivate people to learn as many languages they can, and especially if it is required either for someone else like your students or the society you live in, or if you feel that you need to learn that language or anything to boost up your confidence, then you must learn and do whatever it takes, so why not a language as well. Let's know tip number 5, another important and very simple tip, that is stay current, stay updated. Nowadays it's not difficult to be updated, मतलब आपको न्यूज चैनल पे ही न्यूज देखने की जरूरत नहीं है या न्यूज पेपर से ही रीड करने की जरूरत नहीं है. आजकल तो मोबाइल में आप एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल पे जाकर के न्यूज पढ़ सकते हैं, या क्या करंट चल रहा है उसके बारे में जानकारी हमेशा रख सकते हैं. पहला तो ये कि आप जागरूक रहेंगे, है ना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी. तीसरा, एज अ पर्सन एंड एज अ सिटीजन भी आप काफी ग्रो करेंगे, इसीलिए इट विल हेल्प यू इन लेवरेजिंग योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. स्पेशली अब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करनी है, तब भी you can start with any of the current topics, automatically it will turn into a discussion. Now last two tips are kind of connected to each other, both are about our physical appearance. Inner traits are of course going to reflect on our outer appearance, but this does not mean that we don't have to work on our outer appearance at all. In fact I would say hum yahan se शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज ये आसान है. थी आर फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर नेचुरल एंड हेरिडिटी, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड एडोर व्हाट वी हैव. विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द टिप. टिप नंबर 6 इज हेयर केयर एंड फेस केयर. ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड. दीज टू थिंग्स विल रिफ्लेक्ट इन the quality of skin and hair you have. Other than this, take a haircut if needed. You know, your hair should be presentable. Your face should look clean. Follow some skincare routine if required. Because see, believe or not, your face, hair and smile, they take away first few seconds of attention. So you must notice yourself before someone else notices you. Tip number 7 is about the body or the physique that you have. You must love yourself, as I told you before also. Okay, let's understand it this way. When you love someone,
यू टेक गुड केयर ऑफ देम. यू ट्राई टू नो व्हाट दे फील कंफर्टेबल इन और फील गुड विथ एंड यू वांट टू गिव देम ऑल द अटेंशन. एंड इफ यू प्लान टू गिव देम सम गिफ्ट सम ड्रेस देन यू थिंक अबाउट व्हाट लुक्स गुड ऑन देम. सो व्हेन आई टेल यू दैट लव योरसेल्फ यू automatically will do the same things for your own body. You will start to take care of yourself and you will know what kind of dresses suits you, suits your body type. You have to take good care of your body so your body postures are correct. Just have a look in mirror and see how you walk. If you need any improvement in any of those areas, you must do. And make sure your body should smell nice. At least should not smell bad. Use some deodorant or perfumes. Last is a bonus tip. That is, observe people and absorb their qualities. So when you are in this process of learning or developing or improving yourself, be like a baby. What I mean here is, be observant like a baby. I've tried to compile lot of information in form of tips. It's for people who straight away wants to start working on their personality, but wants to understand the kind of or the amount of efforts they are expected to put in. May this video be of help. Subscribe for many more videos on personality lessons in detail.